हेलो ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी महाराष्ट्र में चल रहा है गणेश उत्सव और बहुत ही तैयारियां हो रही हैं। तो मैंने, जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने रूम पे भगवान जी नहीं रखे हैं, तो मेरी एक फ्रेंड है तो उनके ऑनर के यहाँ भगवान जी रखे गए हैं, उनका स्थापना हुई है। तो आज मेरा ऑफ था तो उसने मुझे बुलाया था तो मैं जा रही हूँ। तो आप भी मेरे साथ चलिए और देखिए यहाँ पे कैसे पूजा होती है, क्या सब चीज़ें होती हैं। और एक और फेस्टिवल चल रहा है कुछ देवी माता जी का, तो वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। चलिए, और अभी हम प्रसाद लेंगे यानी मोदक लेंगे, तो उनके लिए, क्योंकि भगवान जी को बहुत ही पसंद है ना, तो मोदक लेंगे, फिर उसके बाद पूजा के लिए जाएंगे क्योंकि आरती का टाइम हो रहा है। और चलिए चलते हैं। ये देखिए मोदक ले लिए हैं, अब मैं यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमने टीका लगाया, तो सारे लोग ऐसे पूजा कर लेते हैं, उसके थोड़ी देर के बाद हम आरती स्टार्ट कर रहे हैं। अभी सारे लोग प्रसाद ले लीजिए और आरती भी। अब मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो यहाँ पे गौरी माता जी बैठती हैं उनकी एक कहानी है। जैसे गणेश चतुर्थी वाले दिन जो है गणेश जी का बर्थडे होता है, तो यहाँ पे जो ये दो लोग हैं वो गणेश जी की बहन है, यानी इनको हम गौरी कहते हैं, वो अपने मायके आती हैं। और ये उत्सव 3 दिन का होता है। एक दिन पहले माता जी आती हैं, दूसरे दिन इनको खाना पीना खिलाया जाता है और तीसरे दिन ये विदा हो जाती हैं। फाइनली मैं रूम पे आ गई हूँ अभी और बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पे मैंने गणपति की पूजा की और फिर उसके बाद जो गौरी बिठाई हैं वहाँ पे हम गए थे, तो वहाँ हमने पूजा की, बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत ही अच्छे लोग थे, मुझे बहुत ही अच्छा लगा बहुत टाइम बाद, क्योंकि घर पे जाते हैं तभी हम ऐसा कुछ माहौल देखते हैं। लेकिन जहाँ मैं गई थी वहाँ पे जो आंटी अंकल थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही अच्छा बिहेवियर था उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपनापन का जो अट्रैक्शन होता है ना वो मिलता है उनसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो और फिर मैं एक और जगह गई थी मेरे फ्रेंड के यहाँ, एक उसके घर पे, तो उसके घर पे भी वही भगवान जी गणपति जी बैठे हुए हैं और माता जी गौरी माता जी बैठी हुई हैं। तो अभी मुझे फिर से शाम को 5 बजे जाना है, तो मैं, आप साथ में मेरे चलिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आज तो पूरा भगवान जी का ही दिन है, तो बहुत गर्मी लग रही है मुझे, फ़ैन बंद है। और आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, और जल्दी से लाइक कर दो और ब्लॉग में बने रहिए। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पूरे ब्लॉग में सिर्फ मैं ही दिखूंगी, ये देखो तैयार हो रही है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी रंगोली बनाई गई है। और जो ये उत्सव होता है गणेश उत्सव, ये लगभग आप 5 दिन तक या 10 दिन तक आप रख सकते हैं गणपति को अपने घर पे। और ये यहाँ पे एक मूर्ति है औरंगाबाद में, जो यहाँ पे 3 मूर्तियाँ ऐसी बड़ी बड़ी हैं जो एक बार स्थापना होने के बाद जो है दोबारा जो उठी ही नहीं, मतलब उनको उठाने के लिए बहुत टाइम लगा बट वो नहीं उठी। तो ऐसी ऐसी जगह हम गए थे, कई जगह बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये जो है वहाँ का नगर पालिका का गणेश का मंदिर है, और बहुत सारी जगह हम घूमने गए वहाँ पे। हर एक छोटी छोटी जगह पे बहुत सारी, जैसे गली में और हर जगह चौराहे पे भगवान जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। लेकिन कोरोना की वजह से जो है अभी भीड़ कम है,
तो बहुत सारे कम लोग हैं। और वैसे भैया बता रहे थे कि वैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगती है जब कोरोना वगैरह नहीं था। अभी क्या है, कुछ ये जैसे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि ज़्यादा भीड़ नहीं लगी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो है पुलिस भी बैठी हुई थी, पर बहुत ही अच्छा लगता है। तो बहुत सारी जगह हम घूमने गए और उसके बाद मैं आके सो गई थी, मैं व्लॉग नहीं कर पाई आगे। तो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि जहाँ पे जैसे मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें इतनी धूमधाम से नहीं होती हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये सारे कल्चर नहीं पता हैं। तो प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए, उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।